हेलो दोस्तों, पोकेमोन गो के अंदर नियांटिक की बैन वेव एक्टिव है और इस टाइम नियांटिक के कुछ पॉलिसी चेंज के अंदर ये और भी ज्यादा बैन इश्यू कर रही है। तो अभी तक ओवर 5 मिलियन अकाउंट्स बैन कर दिए हैं। तो इस प्रॉब्लम को अभी तक सभी स्पूफिंग सपोर्ट स्टाफ जैसे पीजी शार्प, आईपोगो और इवन जेल ब्रेक और रूटेड डिवाइसेस वाले प्लेयर्स भी बैन होने से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो जैसे कि नियांटिक ने कहा था, ये बैन वेव्स अब ज्यादा टाइम के लिए एक्टिव होंगी, तो आपको स्पूफिंग में थोड़े प्रिकॉशंस लेने होंगे। जैसे कि अभी नियांटिक आपकी लॉग इन इन्फॉर्मेशन ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करता है, मतलब जैसे आपको पहले वर्ल्ड में कहीं भी टेलीपोर्ट करने में 2 आवर्स कूल डाउन लगता था, तो वहाँ अभी नियांटिक आपकी इन्फॉर्मेशन सेव रखता है और आपके ज्यादा एबनॉर्मल एक्टिविटीज को भी स्टडी करता है। तो दोस्तों, ज्यादा टेलीपोर्ट मत करना, किसी एक जगह ही खेलना ट्राई करो। और दोस्तों, हमें अभी तक इसकी फुल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो अभी भी आपके लिए इसमें रिस्क हो सकता है। और गाइस, नियांटिक ने जो भी अकाउंट बहुत ही ज्यादा टाइम एक्टिव है, जो हम ऑटो वॉक यूज करते हुए या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हुए गेम ऑन रखते हैं, तो उन अकाउंट्स की ज्यादा स्कैनिंग करता है और किसी भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज को स्कैन करके आपके लिए बैन इश्यू कर सकता है। तो दोस्तों, ये सब इन्फॉर्मेशन अभी तक पता चली है, तो इन सब का सलूशन हमें जल्दी ही पीजी शार्प आईपोगो प्रोवाइड कर देगा। तो थोड़े पेशेंस रखो एंड प्ले इट सेफ फॉर नाउ। दोस्तों, नियांटिक मोस्टली तो पोकेमोन गो फेस्ट से पहले ही हर बार ये बैन वेव्स इश्यू करता है, तो ज्यादा स्पूफर्स फेस्ट में पार्ट ना ले सके और गेम स्मूथली रन हो जाए, बिकॉज किसी भी लोकेशन स्पेसिफिक इवेंट में ज्यादा प्लेयर्स के कारण नियांटिक मोस्टली तो स्टक हो जाता है और इवेंट ठीक से वर्क नहीं होता। इसलिए मे बी ये पोकेमोन गो फेस्ट तक ही रहेगा। तो होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय।